महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार की शुरुआत हो चुकी है। पिछले 5 दशक से शिवसेना की राजनीति का केंद्र रहा शिवाजी पार्क एक नए युग के आरंभ का साक्षी बन रहा है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर ठाकरे परिवार के सीएम बनने वाले पहले राजनेता बन गए हैं। हजारों की संख्या में दर्शक महाराष्ट्र के सीएम की शपथ देखने के लिए जुटे थे। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उद्धव ठाकरे ने मराठी में शपथ ली, इसके बाद घुटनों के बल झुककर मौजूद जनसमूह को प्रणाम किया। इस प्रकार उद्धव महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उद्धव ठाकरे को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ दिलाई। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो भव्य मंच तैयार किया गया था, उस मंच पर उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे, एनसीपी नेता अजीत पवार, कांग्रेस नेता अहमद पटेल, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी बैठे हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने अपने शपथ कार्यक्रम के लिए कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी शामिल होने का न्योता भेजा था, लेकिन दोनों नेताओं ने यहाँ मौजूद रहने पर अपनी असमर्थता जताई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए कितना विशाल स्टेज सजाया गया है। 70,000 से ज्यादा कुर्सियों का बंदोबस्त किया गया है, जिस पर आप दर्शकों को बैठे हुए देख सकते हैं। और ये शिवाजी पार्क एक नए युग के आरंभ का साक्षी बन गया है। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।